प्रदेश के बुलंदशहर में अपराध चरम पर है। यहाँ खानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 साल के बच्चे का शव खून से लथपथ गन्ने के खेत से मिला है। बच्चे की मौत की खबर के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार खानपुर क्षेत्र के गांव जडोल में रविवार को मुस्तकीम के घर पर फंक्शन चल रहा था, तभी 8 वर्षीय मासूम समीर घर से सामान लेने दुकान पर गया था, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। समीर का शव जडोल के जंगल में ईख के खेत में पड़ा हुआ मिला। आशंका जताई जा रही है कि मासूम समीर कुकर्म के बाद हत्या की गई है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मृतक समीर के घर पर फंक्शन में आए 2 रिश्तेदारों को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि समीर के मामले में पुलिस तत्परता दिखाती तो समीर की जान बच सकती थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी, लेकिन लापता समीर का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। समीर को लापता हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन पुलिस ने मामले में डुलमुल रवैया अपनाया और कार्यवाही के नाम पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद भी समीर का कोई सुराग नहीं मिला था। खानपुर पुलिस अब उसी युवक को आरोपी बता रही है, जिसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। अगर वास्तव में आरोपी वही युवक निकलता है जिसे पुलिस ने 2 दिन पूर्व पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, तो एक सवाल यह भी उठता है कि पुलिस 2 दिन से युवक से पूछताछ क्यों नहीं कर पाई, जिसमें मामले में झोल पड़ता दिखाई दे रहा है। बहरहाल पुलिस की थ्योरी परिजनों के गले नहीं उतर रही है। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सर, थाना खानपुर के गांव जड़ौल में 3 दिन पूर्व से एक लापता बच्चे का शव मिला है, सर क्या है जानकारी? 24 तारीख से एक 8 साल का बच्चा लापता था, उसकी डेड बॉडी आज गन्ने के खेत में मिली है। बच्चे की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, जो तहरीर प्राप्त होती है समग्र विवेचना की जा रही है, जो भी फैक्ट्स प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। सर, सूचना थी कोई शक के दायरे में किसी लोगों को पकड़ा हुआ है? सर, निश्चित रूप से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी विस्तृत जांच की जा रही है। विस्तृत जांच उपरांत ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम आपका? शबीला। अच्छा, आपका जो बेटा गायब हुआ था, क्या हुआ पूरा प्रकरण अभी तक? जी, हमें इस बात की पता नहीं है, बाद में पता चली आने के बाद। क्या हुआ फिर इस लड़के के साथ में? फिर इसके बाद हमें कोई पता नहीं, जो साथ अपने संग लेके गया था लगा के, इसने जाने क्या करा क्या नहीं, हमें उसके बाद की पता नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, कल कहाँ मिला था आपका लड़का? ये तो मुझे पता नहीं जी, कहाँ किसको मिला किसको नहीं मिला। तो उसके साथ में क्या करा था लड़के के साथ में? हमें नहीं पता जी क्या करा और क्या नहीं करा। क्या उसको मार दिया क्या? क्या करा क्या ना भगवान जाने। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? अब पुलिस जो कर रहे हैं, मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं पुलिस। क्या नहीं कर रहे। क्या नाम आपका? जी मुस्तकीम। आप ही का लड़का एक हफ्ते पहले शुक्रवार को गायब हुआ था, क्या हुआ था? वही अनजान आदमी आए थे, 2 लड़के को एक जना लेके चला गया और 3-4 बजे उसको मार दिया। अच्छा, आपको कब मालूम हुआ? हमें शाम को मालूम हुआ, शुक्रवार। नहीं, बच्चे की डेड बॉडी कब मिली? तो कल मिली है। अच्छा, पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की? पुलिस वाले ने, क्या लगता है कोई रंजिश थी उन लोगों से? किसी रंजिश नहीं थी, अनजान थे वो तो, मेरे बिल्कुल उनसे कोई मेरी रिश्तेदारी कोई जानकारी नहीं थी किसी तरह की। तो यहाँ कैसे आए सर वो? बस ऐसे ही आ गए सर, बस अनजान उसमें। उन पर शक कैसा हुआ था आपको? शक तो हमें पता ही नहीं चल रही बिल्कुल, उन्होंने तो बाद में तहकीकात पुलिस बाजार में करी, जब जाकर पता चली मुझे तो कल शाम। क्या लोग पकड़े पुलिस ने? 2 ही थे। अच्छा, थाना खानपुर क्षेत्र में एक नया मामला सामने आया है, जहाँ जड़ौल चौकी पर एक जगौल चौकी क्षेत्र के गांव का ही है, जहां पर नाबालिग युवक को अगवा करके उसकी हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने अपने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस उस दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन उमेश के साथ मुकेश कुमार, समाचार एक्सप्रेस न्यूज, बुलंदशहर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।